हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आटे से बने हुए गुड़ के मीठे पारे। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आते हैं और बहुत ही बढ़िया बने हैं। एकदम खस्ता, आसानी से टूट रहे हैं, तो बिल्कुल भी देर ना लगाते हुए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए खाली बोल में डालेंगे 1 कटोरी गेहूँ का आटा, आधा चम्मच डालेंगे छिलकों सहित पिसी हुई इलायची, 2 चम्मच डालेंगे तिल, 2 बड़े चम्मच डालेंगे रिफाइंड मोयन के लिए। सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे। मुट्ठी बना के देखेंगे तो मुट्ठी हमारी बनने लगी है, तो इसका मतलब मोयन हमारा बिल्कुल ठीक है। हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम टाइट डो बनाएंगे। तो आटे को गूंथकर मैंने टाइट डो लगा लिया है, ठीक इस तरीके का। अब 10 मिनट हम इसको रेस्ट करने देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से फूल जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब आटे को 2 लोइयों में डिवाइड कर लेंगे और आटे को अच्छे से चिकना कर लेंगे। अब बेलना शुरू करेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे अब इसको बेल देंगे। तो इसको मैंने मोटा मोटा बेल लिया है, अब पिज्जा कटर से इसको शेप देंगे। घुमा लेते हैं, अगर पिज्जा कटर नहीं है तो आप चाकू से भी इसमें कट लगा लें। किनारों को हटा देते हैं। और इसको निकाल कर अलग रख लेंगे और दूसरी लोई को भी इसी तरह से बेल लेंगे। तो सबको बेल कर मैंने तैयार कर लिया है। अब जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म होगा इसमें हम पारे डालकर फ्राई कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि तेल अभी बहुत ही हल्का गुनगुना हुआ है, तो हमें इसी तरह से तेल में फ्राई करना है। बहुत तेज गर्म तेल में हमें इसको नहीं डालना है, अगर हम गर्म तेल में डालेंगे तो इसकी लेयर खुलेंगी नहीं। अब धीरे धीरे इसको पलटना शुरू करेंगे। और उलट पुलट कर क्रिस्पी होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। मुझे इसको चलाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देखोगे कि धीरे धीरे इसका कलर अब चेंज होने लगा है। अभी हमें इसको और फ्राई करना है। आप देखोगे कि इसकी लेयर खुलने लगी हैं, तो इसका रीज़न यही है कि हमने इसको बहुत धीमी आंच पर सेका है। तो आपको भी इसी तरह से सेकना है, उलट पलट कर क्रिस्पी होने तक और कलर चेंज होने तक इसको हम अभी और फ्राई करेंगे। तो उलट पलट करके मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है और अच्छा सा कलर आ चुका है। तो बस अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब दोबारा गैस ऑन करके रखेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 कटोरी गुड़, क्योंकि हमने 1 कटोरी आटा लिया था, और 3 से 4 चम्मच डालेंगे पानी। तो चाशनी बनाने से पहले गुड़ को अच्छे से उबालना है हमें, तो चलाते हुए इसको पहले हम मेल्ट कर लेते हैं। तो गुड़ हमारा मेल्ट होने लगा है और धीरे धीरे इसमें उबाल भी आने लगे हैं। फ्लेम को थोड़ा सा हम तेज़ कर देंगे और 1 तार की चाशनी आने तक इसको अभी और पकाएंगे। अब चेक करके देखते हैं, गुड़ में तार आने लगा है, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और आटे के पारों को गुड़ में अच्छे से कोट कर लेंगे। चलाते हुए सिर्फ आधा मिनट हुआ है और आप देखोगे कि सारा गुड़ सूख चुका है और पारे हमारे बिल्कुल खिल चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी इसके लिए कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक भी आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।